लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सक्यूज मी सर, ये लो तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल। यस, यहाँ पर सबसे अच्छा इंसान कौन है सर? क्यों, हम लोग तुम्हें अच्छे इंसान नहीं लग रहे हैं क्या? नहीं सर, उस तरह का अच्छा इंसान। ओह, धुआंधार वाला अच्छा इंसान। स्ट्रेट जाकर दाएं मुड़ जाना, वहीं मिल जाएंगे तुम्हें। ओके सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सुना है इस कॉलेज में सबसे अच्छे इंसान आप हैं। या। तो फिर लाइटर प्लीज। मारा क्यों मुझे? कॉलेज कैंपस के अंदर सिगरेट पीना मना है, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? मैं तो अच्छा इंसान समझ के आपके पास आया था। हम अच्छे इंसान तो हैं, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो ऐसी हरकत करते हैं। चल भाग यहां से। जाता हूं सर। अर्जुन। यस सर। कल हम कहाँ रुके थे? हाँ सर, कल हम कैंटीन में रुके थे। कल शाम तुम कहाँ रुके थे, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने ये पूछा कि कल हम लोग लेसन में कहाँ पर रुके थे। पता नहीं है क्या? सर हमें याद नहीं आ रहा है, बेहतर होगा आप ही बता दीजिए। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ, सिर्फ कॉलेज में ही लेक्चर सुनना काफी नहीं है, घर जाने के बाद भी होमवर्क किया करो। सॉरी सर, क्या है कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, अपने होम में नहीं, तो होमवर्क करना जरा मुश्किल हो जाता है। मेरी ज्ञान की नैया बीच भवर में गुड़गुड़ गोते खाए। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ही हफ्तों में एग्जाम्स हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं कहाँ रहूंगा और तुम लोग कहाँ? अरे सर, हमने आपसे शादी थोड़ी ना की है कि हम हमेशा यहीं पर रहेंगे। तुम लोग कॉलेज छोड़ के जाने वाले हो, ये सोचकर जरा भी दुख नहीं हो रहा है? इसमें दुखी होने जैसा क्या है सर, यहीं खुंटा गाड़ कर बंधे रहेंगे तो ये कॉलेज नहीं भैंसों का तबेला कहलाएगा। तुम लोगों में जरा भी फीलिंग्स नहीं है क्या? यहाँ की पुरानी यादें, पुराने प्रोफेसर। अरे छोड़िए ना सर, पुरानी यादों को दिल में गांठ बांध कर रखने से हार्ट अटैक हो जाएगा। सर जिंदगी में करने के लिए और भी बहुत कुछ है, उन सबको छोड़कर आपके लिए माथम कौन करेगा सर है? इनके सीने में तो हमारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कम से कम तुम लोग तो हमें याद करोगी ना। आपकी यादों में खोए रहने के लिए आप अपने आप को शाहरुख खान समझते हैं क्या? मेरी ज्ञान की नैया बीच भवर में गुड़गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दी। तुम्हें तो पता ही है, हर साल टॉप रैंकर्स को तुम्हारे पास लॉ प्रैक्टिस के लिए भेजता था ना, वैसे ही इस साल भी 3 बच्चों को भेज रहा हूँ, उन्होंने यहाँ टॉप किया है, तुम्हारे साथ रह के वो लोग अच्छी तरह सीख पाएंगे। अर्जुन, राजू और बालू नाम है उनका। हाँ हाँ बाबा, अब उनकी जिंदगी बनाने का काम तुम्हारा है। हाँ,
ओके 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 ठीक है, भिजवा रहा हूँ मैं। हमारे स्टेट के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर को समझ क्या रखा है तुमने? मैं एक उभरता सितारा हूँ। हाँ, अपने बदन पे जो काला वकील का कोट पहनता हूँ उसको क्या तुमने बैंड की यूनिफॉर्म समझ रखा है? एक बार जो मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो 7 साल के लिए जेल में सड़ा के रख दूंगा। हाँ, तो तुम तैयार हो कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठ जाओ बैठ जाओ। इट्स ओके सर, हम ऐसे ही ठीक है। अगर कोई मेरे सामने खड़ा रहता है तो बात करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, तो बैठ जाओ, फिर काम की बात करेंगे हम। बैठ जाओ बैठ जाओ। थैंक यू सर, बैठ सकता हूँ। सुनो रोजी। यस सर। कुछ लोग आए तो जरा 3-4 स्पेशल चाय ले और दूध कम। अच्छा, शक्कर भी कमी डालना। ठीक है सर। हाँ, मैं वैसे ही बहुत मीठा हूँ। हाँ, तो किसे जेल भिजवाना है, या किसका डाइवोर्स करवाना है, या कोई प्रॉपर्टी हथियाने तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, हम लोग उस तरह का केस लेकर नहीं आए हैं सर। अच्छा, तो फिर हमारे प्रिंसिपल ने आपके पास हमें इसलिए भेजा ताकि आपके साथ हम लॉ प्रैक्टिस करें। ओ तो वो 3 लोग तुम ही हो। चलो खड़े हो जाओ। क्या कहा ना, खड़े हो जाओ। ए रोजी, वो चाय का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। अबे गांधी जी के 3 बंदर हो, जब कोई किसी से मिलने आता है तो पहले प्रॉपर परमिशन लेकर आता है। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें? ये तुम्हारे कॉलेज का कोई कैंटीन नहीं है। यहाँ पे ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी हालत चूहे जैसी कर दूंगा मैं। लॉ सर्किल में बहादुरी और इज्जत का दूसरा नाम है हरिशंकर मिश्रा, यानी कि मैं। जब भी ये पता चले कि मैं आ रहा हूँ तो रास्ते से 3 फीट दूर हाथ बांध कर सर झुका कर खड़े रहना, समझे? जी समझ गया सर। तो सुनो बंदरों, ये है गेस्ट हाउस की चाबियाँ। थैंक यू सर। जाकर फ्रेश हो जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। कल से तुम तीनों मेरे साथ ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हो। कोर्ट में मैं कैसे आर्ग्यूमेंट करता हूँ ये तुम लोग मुझे देख देख कर सीख लेना। मुझे फॉलो करोगे तो तरक्की करोगे, क्यों समझे ना? जी गुरुदेव। और हाँ, मैं कभी भी किसी भी वक्त बिना बताए गेस्ट हाउस में चेकिंग करने आ सकता हूँ। वो क्या है ना, तुम जैसे लंपट बैचलर्स पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। चलेगा सर। अब जाओ और आराम करो। अब हम जा सकते हैं। आशीर्वाद लेके चले जाओ। हाँ बेटा, तू भी ले आशीर्वाद। पड़ेगा क्या? चल इतना शाबाश, चल जा। कैसे कैसे आ जाते हैं सिखाना पड़ता है। रोज कॉलेज, फिर हॉस्टल, सुबह शाम पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो गया यार, परेशान हो गया था मैं। अब हम लोग हैं फ्री बर्ड्स। yes. आज से हमारी आजाद लाइफ शुरू हो रही है। हम तीनों स्टेट के नंबर 1 लॉयर शंकर जी के असिस्टेंट बन चुके हैं। मेरा दिल तो बहुत खुश है। हमें इस मौके का एकदम सही इस्तेमाल करना चाहिए ना यार। लेकिन एक बात है यार, कल से तो ऑफिस, फाइल, केस, ये वो बहुत कुछ हो गया यार, इसलिए क्यों ना आज रात को पार्टी करें और इस रात को स्पेशल बनाया जाए। हाँ। क्या कहते हो? इस मौके का हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे। सच में यार, अब तक हमारी परवरिश अनाथ आश्रम में हुई है। माँ बाप का प्यार क्या है हम नहीं जानते, इसीलिए हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे यार। इसका तो हमेशा का रोना धोना है यार, जब देखो इमोशनल हो जाता है। ए यार, ये क्या है, हर बार तो इतनी निगेटिव बातें क्यों सोचता रहता है? लाइफ को हमेशा पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए। हेलो, ये उस मोटे का खाना खा करना ऐसा हो गया, इसे एक बॉटल पिला देते, उसके बाद देखना ये ठीक रास्ते पे आ जाएगा। तो ठीक है भाई, हम इंतजार क्यों कर रहे हैं, लेट्स गो। चलो योर ऑनर, ये एक नॉर्मल डॉरी का केस है और ऐसे केसेस में बहस करके यकीन मानिए मैं बुरी तरह से परेशान हो चुका हूँ। तो फिर शंकर साहब, आप ऐसे छोटे मोटे केस क्यों लेते हो? वो क्या है ना, जूनियर्स को ये दिखाना जरूरी है कि कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कैसे की जाती है, इसी मजबूरी में मैंने ये केस ले लिया। आप तो बड़े महान इंसान हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मेरे
फाजिल दोस्त मिस्टर उबले अंडे को पहले पागल खाने जाकर अपने दिमाग का चेकअप करवाकर उसके बाद कोर्ट आकर बहस करेंगे तो अच्छा रहेगा। हेलो हेलो हाय योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को डावरी का पैसा देने का वादा किया था जो अब तक नहीं दिया गया। ऊपर से इनकी धर्म पत्नी ने इन पर केस कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है माय लॉर्ड? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त उबले अंडे के क्लाइंट जो कुछ दहेज में मिला है वो लौटाने को तैयार हूँ, ऐसा इन्होंने पहले कहा था। इसीलिए इस केस में और बहस किए बिना फैसला सुनाया जाए मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूँ। नो योर ऑनर, ये झूठ है, सफेद झूठ है। ये लोग मेरे क्लाइंट पर झूठा आरोप लगाकर उसे फंसा रहे हैं। मैं किसी पर झूठा आरोप भला क्यों लगाने लगा? फैसला गलत हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कोर्ट के फैसले से तुम्हारी इज्जत नहीं। तुम क्या कर रहे हो? जाओ पीछे बैठो। क्या तो ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, उबले अंडे जी छोटे बच्चों जैसे जिद करते हैं और ये हंस कर बात उड़ा देते हैं। That's my point. दोनों पक्षों का वाद विवाद सुनने के बाद आरोपी पुनीराज दहेज लिए हैं, ऐसा इस अदालत में साबित हुआ है। इसलिए उन्हें 3 साल की सख्त सजा के साथ साथ 10,000 का जुर्माना भी भरना होगा। और शंकर जी को यह आदेश दिया जाता है कि वो अगली बार कोर्ट के डिसिप्लिन को कायम रखें। आज तो कोर्ट में मेरी धज्जियां उड़ गई। ये लोग, आखिर ये लोग कोर्ट को समझते क्या है? वो कोर्ट है या कोई मछली बाजार है? और ये भी वहाँ कोर्ट में बैठकर खी 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 करके हंस रही थी। जरा भी अक्कल नाम की चीज है तुम्हारे पास? डैड क्या है कि वो डैड कहा? देखो ऑफिस हो या कोर्ट हो, मुझे डैडी कहकर बिल्कुल मत बुलाना। ये रिश्ता सिर्फ घर तक सीमित है। यस बॉस। ठीक है ठीक है, तुम लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कोर्ट को हमेशा एक मंदिर समान समझो, प्यार और भक्ति से उसकी पूजा अर्चना करो। सुन रहा है कि नहीं तू? सॉरी सर, फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए समझ नहीं पाए, माफ कर दीजिए सर। ऐसे नहीं बे, पैर छूकर माफी मांग। चल अरे इसके पैर छू ना तू। अबे हमें अपना काम निकालना चाहिए। आगे से ध्यान। सुनो सर जी, अगर हमें ये सब पता होता तो हम आपके पास प्रैक्टिस के लिए आते ही क्यों? डायरेक्ट हम लॉयर ना बन जाते? बेटा तुम्हारे तेवर लॉयर नहीं, क्रिमिनल वाले हैं। सॉरी बोल ना। अरे इसे सॉरी बोल। नहीं तो किसे बोले? सॉरी। वाह, मुझे गाली दे रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि सॉरी बोल रहा है कि गाली दे रहा है। सर बच्चा है बेचारा, माफ कर दीजिए। चलो इस बार तो माफ कर देता हूँ मैं। दोबारा इस तरह मेरे सामने उड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे पंख कतर दूंगा मैं। फिर फड़फड़ाते रहोगे। दिस इज लास्ट एंड फर्स्ट वार्निंग। हे, ये मेरी बेटी के साथ तू क्या गुटरगू कर रहा है बे? वो क्या है ना सर, ये आपकी ही बेटी है ना, इसलिए इन्हें भी सॉरी कह रहे थे, और कुछ नहीं। बताओ बताओ इन्हें। ये बात है मधु, कल दोपहर के बाद कोर्ट में राजेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्रा का केस लड़ा जाएगा। उसको स्टडी कर लो और उसके नोट्स तैयार कर लो, कोई मिस्टेक नहीं। ओके डैड। ऑफिस में डैड बात बोला करिए, समझाते समझाते पक चुका हूँ मैं। ओके ओके सॉरी सॉरी। अब जा रहा हूँ मैं, कल तैयार है ना। ये उबलते अंडे हमेशा उबलते क्यों रहते? अबे रेगिस्तान में पैदा हुए थे। लेकिन तू थोड़ा ठंडा लिया कर। हाँ तू कहता है तो ठीक है। वो क्या है ना यार, जिस तरह से वो कोर्ट में बहस कर रहे थे उसे देखकर कोर्ट में जितने भी थे सब हंस रहे थे और मैं भी हंस पड़ा, इसीलिए तो वो हम पर बरस पड़े। वो क्या है ना, हमारा उबला अंडा बहुत ही फनी कैरेक्टर है यार। कभी कभी तो लगता है कि हम उनके पास क्यों काम कर रहे हैं यार, फिर सोचता हूँ कि चलो टाइम पास हो रहा है। उनको छोड़ यार, उनकी जो बेटी है ना, मेरा दिल उस पे आ गया है रे। हेलो, याद है ना किसकी बेटी है? सोच कर देख, वो लड़की अपने बाप पर नहीं गई है, बहुत प्यारी है। अरे भाई तू कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहा? वो भाई साहब तेरे नाम की कहीं कोर्ट में फाइल ना खोल दे। ये यहाँ क्या करने आया था और क्या कर रहा है? देख मत मारी गई इसकी। तुम लोगों को जो कहना है वो कह लो, हम लिखेंगे प्रेम कहानी, वही बनेगी मेरी रानी। ऐसा क्यों घूर रहा है? हीरो है तू जो विलेन को ऐसे देख रहा है? हाँ बाइक पे बैठ के तू मेरे सामने स्टाइल मारते हुए आएगा? आधी का रास्ता कोई नहीं काटता, जो काटता है उसका ये हाल होता है। कोई भी मेरे रास्ते में आया ना तो उसके मौत की क्या रिसी। मेरे रास्ते में गलती से भी कोई आया तो उसके सीने पर पैर रखकर निकल जाना मेरा स्टाइल है। ए, 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 गाड़ी रोक, कहाँ जा रहा है? एक इंसान का एक्सीडेंट करके यूं ही मरने के लिए छोड़ रहा है उसको। रुक जा यार, उसे देखा वो कितना खतरनाक लग रहा था, हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ए, कुछ पता भी है तो क्या बोल रहा है? ऐसी हालत में हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो हमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा?
ये जो कह रहा है बिल्कुल सही है। रास्ते पड़ी मुसीबत को हम हमारे गले क्यों बांधे, चल निकलते हैं। तुम चाहे आओ या मत आओ, मैं इसकी मदद करूंगा। हाँ तो मेरे क्लाइंट तुम्हारा नाम क्या है? अरे मैं और कितनी बार बताऊं, बार बार आप भूल जाते हैं। याददाश्त की कोई दवाई क्यों नहीं खाते? देखो ये कोर्ट है और जो सवाल पूछा जाए उसका सीधा जवाब देना। वो ऐसी बात है, वो जो आपने मुझे बाहर समझाया था वही मैं कह देता हूँ, लेकिन तरीका बदल के बोलूंगा। तो तुम्हारा नाम क्या है भाई? राजेश मिश्रा। और ये तुम्हारे क्या लगते हैं? ये मेरे बड़े भाई ब्रिजेश मिश्रा। अपने छोटे भाई पे जरा भी रहम नहीं आया इन्हें, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दिए इन्होंने। रहम क्यों करूं तुम्हारे साथ, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ए, मैंने कब धोखा दिया है? अगर आगे से धोखे की बात की ना तो हाथ पर काट के कोने में डाल दूंगा। हाँ आता हूँ, अभी काट के दिखाता हूँ। कोर्ट को तुम लोगों ने कुश्ती का मैदान बनाकर रखा है। तुम्हें क्या क्या हिस्सा मिलना है ये कोर्ट में तय होगा। चलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो क्या है ना साहब, 10 गुंठा जमीन है, 2 दूध देने वाली गाय है, उसके बाद एक घर है, उसके बाद एक लॉरी है, उसके बाद 2 भैंसे हैं और 2 बैल भी हैं। बस 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 बस, इतनी सारी चीजों में तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए, इसलिए तुम यहाँ आए हो ना? हाँ। साहब इसने सारी चीजें अपने नाम कर ली, मुझे गंजा कर दिया और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। साहब आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मेरे मुवक्किल को जो कुछ मिलना चाहिए था वो है खेती, पैसा, बाग, बगीचा, कुआं, गाय, बकरे, भैंस, बैल, खच्चर, सब में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। ये क्या लालची, इतना क्या बैलेंस छोड़ा होगा जो अभी हिस्सा मांग रहा है। माय लॉर्ड, इनके केस जैसा केस कोर्ट में लाकर कोर्ट का समय बर्बाद कर रहा है ये उबला हुआ अंडा। ए, मैं सिर्फ सच्चाई सामने ला रहा हूँ, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप सब लोग मिलकर मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसको तो मैं बाद में देखता हूँ। मैं वहाँ कोर्ट में केस फाइट कर रहा था और तुम वहाँ पीछे बैठ के खिकी खिकी कर रहे थे, सारे केस का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। इस तरह बंदरों जैसी हरकत करोगे तो दोबारा कोर्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कुछ नहीं किया फिर भी आप हम पर उबल रहे हो। चुप रहे। अरे आप आर्ग्यू ऐसा करते हो कि पूरा कोर्ट हंस रहा था। वो कहावत है ना, गर्म पियो तो उसका सर ठंडा, ठंडा पियो तो उसका सर गर्म। ऐसी है आपकी हालत। तुम लोग जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो। तुम लोग सिर्फ एक केस कोर्ट में फाइट करके बताओ तब पता चलेगा कि वकीलगिरी क्या होती है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? हमें भी कोई केस मिल गया तो हम भी बता देंगे कि हम क्या है क्यों। ये बात है तो इसे घूरना बंद करेगी क्या? मैंने कहा था ना कि कुरियर से एक पार्सल आने वाला है, वो आया क्या? तो कहाँ है वो? यहाँ है डैड। इसे डैड, कितनी बार बोला कि डैड मत बोला कर। सॉरी सर। Sorry, इसे sorry. मुझे देने की जरूरत नहीं है, इसे दे दे। अभी बड़बड़ कर रहा था कि मुझे चांस दो कुछ करके दिखाऊंगा, तो अभी okay. ये केस इसको दे दे, देखता हूँ क्या करता है ये। ले 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 ले। बहुत मुस्कुरा रहा है। पहले फाइल तो ओपन करके देख ले, फिर तेरी हंसी पे अपने आप ब्रेक लग जाएंगे। मेरे रास्ते में गलती से भी कोई आया तो उसके सीने पर पैर रखकर निकल जाना मेरा स्टाइल है। ए, ये फोटो वाला याद है? अरे यार ये तो वही है, एक्सीडेंट वाला बंदा। हे अर्जुन, ये केस वापस कर दे यार। देख अर्जुन, तू कोई भी केस लेकर अटेंड कर, लेकिन ये केस लेगा तो मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करूंगा। तुम दोनों चाहे हेल्प करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे हटने के लिए मैं वकील नहीं बनाऊं। जिंदगी को एक चुनौती बनकर लेना चाहिए। इस भाई को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बिल्कुल यार, मेरा पूरा सपोर्ट तेरे साथ है। बुजदिल बनने से बेहतर है बहादुरी के साथ मरना। ये समाज ही ऐसा है रे, जो झुकता है उसे लात मारते हैं और जो उठता है उसके पैर पड़ते हैं। सुन यार, तेरी हेल्प करते वक्त जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। मुझे मिल गए सारे डिटेल्स, मिल गए मेरे बिछाए जाल से। अब ये कैसे बच के निकलता है ये मैं देखता हूं। अरे टाइम हो गया यार, चलो उठ जाओ। बालो बालो, क्या यार, जाके देखना पेपर आया कि नहीं। अरे तू जाके देखना, मुझे सुनना है। राजू को उठाना, वो जाके देखे। ए, तू जाना, जा जाके देखना पेपर आया कि नहीं, जा जाना। यार तू तो थोड़ी देर भी चैन से सोने नहीं देता। चैन से सोना है तो जाग जा, चल।
ए अर्जुन, ए उठना, ये देख वो क्रिमिनल यार, आदि का फोटो पेपर में आया। अरे देख ना यार, क्या कहा उसका फोटो? अब सुनो, पहले पेपर से इसे कट करके फाइल में लगा दे। ठीक है। इसकी नजरों में इंसानों के जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। उसके सारे डिटेल्स कलेक्ट करके, सारे सबूत के साथ उसकी फाइल जमा करके, जेल में कैदियों के साथ दाल रोटी के लिए भिखारियों की तरह खड़ा करूंगा इसे। अब यही मेरा मकसद है। मम्मी पापा, मजा आएगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आंटी, आंटी। हाँ, मुझे बुलाया? लेकिन तुम हो कौन? मुझे नहीं पहचाना आपने? आपके पड़ोसी बालाजी का रिश्तेदार। बालाजी का रिश्तेदार? आप तो भूल भी गई। कौन रिश्तेदार, कौन बालाजी? अरे मैं वही हूँ आंटी। हाँ। आपके पड़ोसी के चाचा का, जीजा का, बहन का, बेटी के हस्बैंड का, पति का, दूसरे बेटे का, दादी का लड़का। अब पहचाना? आपको बचपन में पूजा बहुत पसंद थी ना, इसलिए मैं चार धाम की यात्रा पर गया था और आज लौटा हूँ। बताओ। ओ, आज लौटे? हाँ। बहुत थक गए होंगे। हाँ। एक काम करो। हाँ? यहाँ आराम करो। हाँ? वैसे पूजा कैसी थी? आज मेरी पूजा पूरी हो गई आंटी। क्यों बे, कल जब मैं कोर्ट में बहस कर रहा था तो तुम लोग मुझे देखकर बड़ी पत्ती से दिखाकर खीखी कर रहे थे। बॉस, आपको कोर्ट में बहस करते हुए देखकर सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा कोर्ट ही हंस पड़ा था सर। उसमें मेरी क्या गलती? आप भी जैसे सीनियर लॉयर का मजाक उड़ाते हो। बेटा, अभी तुम्हें तैरना आया नहीं, तुम अभी बहुत ही कच्चे खिलाड़ी हो। मैंने जो तुम्हें केस दिया था उसके लिए तैयार हो या नहीं? बॉस, क्रिकेट का खेल ग्राउंड में देखने में मजा आता है और ड्रामा स्टेज पर देखने में मजा आता है, और इस अर्जुन को बहस करते हुए कोर्ट में देखने में मजा आता है। ओहो, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। या जितना एक्सपीरियंस मुझे है ना, तुम्हारी उम्र उससे आधी है मुन्ने। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ये तोड़ दूंगा, मैं वो फोड़ दूंगा। जितने लोगों ने ये बात कही है ना, वो लोग आज रास्ते में ठेला लगा के बाजू में खड़े। बॉस, हार शब्द मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि वो मुझसे कोसों दूर भागता है। हारना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं, मैं ही जीतूंगा। कैसे करूंगा, ये तो आप कोर्ट में देखेंगे। बेटा, इस बात का रिजल्ट तो कल ही आ जाएगा। कल तुम किस तरह से डूबते हो ये मैं भी देखता हूँ। बेशक देखिए। योर ऑनर, जिस व्यक्ति का उस रात एक्सीडेंट हुआ वो पिए हुए था, और अपनी ही गलती के कारण वो जीप से टकराया जिससे उसकी मौत हो गई। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साबित होता है कि वो नशे में था। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अब ये हीरो बनेगा जीरो। योर ऑनर, आरोपी आदि के किए हुए सभी खून, वसूली, अत्याचार और बाकी के इलीगल एक्टिविटीज को साबित करने के लिए जितने भी सबूत चाहिए वो इस फाइल में मौजूद हैं। ये बिल्कुल झूठ है योर ऑनर। हमारे छोटे वकील साहब तरक्की करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं, इसलिए मेरे क्लाइंट के ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। सच में अगर ऐसा कुछ मेरे क्लाइंट ने किया है तो इनसे कहिए कि ये अदालत में सबूत पेश करें योर ऑनर। बिना सबूत के कौन सा ऐसा वकील है जो आर्गुमेंट के लिए तैयार होता है योर ऑनर? आपको सबूत और गवाह चाहिए ना, एक एक करके सबको बुलाता हूँ, हिसाब लगाते रहिए। संजीव कुलकर्णी, संजीव कुलकर्णी, संजीव कुलकर्णी, हाजिर हो। बताइए संजीव जी, उस दिन क्या हुआ था? संजीव, ये क्या किया तूने? ए आदि, क्या ये सब? किसी के घर जाकर कैसे बर्ताव करते हैं तुम्हें पता नहीं है क्या? ए संजीव, ये नाटक किसी और को दिखाना, मैं अलीबाग से आया दिखता हूँ क्या? इल्लीगल प्रॉपर्टी हम तेरे नाम कर देंगे तो तू हमें 10 करोड़ देगा, ऐसा ही वादा तूने मेरे भाई से किया था ना, याद है?
अब काम होने के बाद तू गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। मुंबई दुबई में जाकर छुप रहा है क्या? सुन ले आदि, तू बीच में मत पड़। जो भी है मैं और तेरा भाई देख लेंगे। ए, मेरे भाई ने मुझे यहाँ भेजा है। इज्जत से तू 10 करोड़ दे रहा है या इधर ही तेरे लाइफ का पैकअप करूँ? आदि ये तू सही नहीं कर रहा है। ए, क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? धमकी किसी और को देना। असल के साथ सूद भी वसूलूंगा। आदि ए, चल बाजू हट। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखिए और ये आंसू पोंछ लीजिए। योर ऑनर, इनकी बेटी के साथ ऐसा जानवरों जैसा बर्ताव किया जिसकी वजह से वो बेचारी काफी दिनों तक कोमा में रही और उसके बाद वो। Your Honor, उस दिन मेरा क्लाइंट आदि इस शहर में था ही नहीं। ये शहर में नहीं था, ठीक है, तो फिर उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत कोर्ट में पेश कीजिए। सारी बातों का सबूत और गवाह कोर्ट के सामने पेश करना मुमकिन नहीं है। सिद्धराज जी, कोर्ट के लिए सबूत और गवाह अहम है, ये बात आप नहीं जानते हैं क्या? Your Honor, इस आरोपी के गुनाहों की लिस्ट इतनी छोटी नहीं, बहुत ही ज्यादा लंबी है। इसने अपनी गाड़ी से टक्कर मार के किस तरह एक बाइक वाले की जान ली है, उसका गवाह यहीं पर है। मिस्टर शेखर। नमस्कार सर। बताइए शेखर जी, उस दिन सड़क पे क्या हुआ था? सर, उस दिन रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास जो कोई भी मेरे सामने आएगा उसका यही अंजाम होगा, ऐसी धमकी दे रहा था सर। प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। Your Honor, गैर कानूनी हथियारों को बेचने का धंधा और लड़कियों को बेचने का धंधा, इन सारी बातों का पर्दाफाश करने वाले प्रेस रिपोर्टर विश्वनाथ को मैं कटघरे में बुलाने के लिए आपकी इजाजत चाहता हूँ। Your Honor, बताइए विश्वनाथ जी, ये तस्वीरें आपको कहाँ और कैसे मिली? समाज के दरिंदों का चेहरा सामने लाना ही मेरा काम है सर, और इसलिए शादी पर मैं कई दिनों से नजर रखे हुए था। इसकी एक एक एक्टिविटी को मैंने खुद कैमरे में कैद किया है सर। प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। योर ऑनर, गांजा चरस जैसे जहर का खुलेआम धंधा करने वाले और समाज के नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए, ऐसी मैं अदालत से विनती करता हूँ। इस प्यारे लाल ने तो सीधा छक्का मार दिया। गैर कानूनी धंधे, एक लड़की के साथ बलात्कार, उसके बाद उसका खून, उसके अलावा अपनी गाड़ी से सड़क पर जाने वाले व्यक्ति को मौत के घाट उतार देना, सारे गवाहों और सबूतों के मद्देनजर अदालत आदि को गुनहगार मानती है, इसलिए आईपीसी सेक्शन 302 के तहत इसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। नहीं यार अनर, नहीं। अर्जुन। हेलो मालिक, अपने आदि भाई को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अर्जुन, बहुत बढ़िया। Hey, thanks यार, thanks. Congrats. Thanks, thanks. Hi Sheila. Hi. Thank you. Arjun, again, congrats. Hey, thanks, thanks. Arjun. Hey, thanks भाई. अरे, Arjun, तुम जिस तरीके से आर्गुमेंट कर रहे थे, उस वक्त सीनियर का मुंह देखने लायक था। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। Hey, अरे छोड़ो ना यार, कितना भी हो हम लोग जूनियर्स हैं, हमारे सीनियर्स को इज्जत देना जरूरी है ना सर? हाँ, ये कहकर मेरा और मजाक उड़ा रहे हो। अर्जुन, तुमने वाकई इस केस को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है। थैंक यू। तुमने जिस तरह से दलीलें पेश की मुझे बहुत पसंद आया। आई लाइक्ड इट सो मच। थैंक यू मधु। यू आर वेलकम। बस बस बहुत हो गया, ये इतनी बड़ी जीत नहीं है कि उड़ने लगो, बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है तरक्की के लिए। ये हमारा दोस्त, इसका आर्गुमेंट सुनकर सब हो गए बेहोश। आगे आगे देखिए सर, बड़े से बड़ा केस हैंडल करके हमारा दोस्त कहाँ पहुंच जाता है। अर्जुन! राजू! 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 ए! ए
राजू ये तूने क्या किया यार, मेरी जान को बचाने के लिए तूने अपनी जान खतरे में डाल दी। अर्जुन आज मुझसे एक वादा कर, अर्जुन उन गुनहगारों को माफ मत करना, उन्हें उनकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ मेरे दोस्त राजू, मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। सर माधु कोई तो जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, तुझे कुछ नहीं होगा राजू, मैं हूँ ना राजू, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। तू कभी हिम्मत नहीं हारेगा राजू, वादा कर। राजू 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 राजू, मेरी जान से प्यारे दोस्त की जान देने वाले उस दरिंदे को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा राजू, कहीं का नहीं छोड़ूंगा राजू। ए तुमने उन लोगों को समझ के क्या रखा है, उसके भाई को तुमने जेल भिजवाया इसीलिए तुम्हारे प्यारे दोस्त को कोर्ट के सामने दिन दहाड़े शूट कर दिया उन लोगों ने। तुम्हें अंदाजा भी है कि उसका भाई कौन है? अंडरवर्ल्ड की दुनिया का किंग मेकर है वो। ओ, सच में सर? तुम तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं, तुम्हारी हरकतों से ये फंदा मेरे गले में आ पड़ा है, इसका अंजाम क्या हो सकता है इस बात का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। आपका मतलब वो लोग मुझे भी जान से मार डालेंगे ना सर? हाँ लेकिन वो पहले तुम्हें जाल में फंसाएंगे। अच्छा होगा कि तुम पहले जाकर उनसे माफी मांग लो, तुम्हारी सूरत देखकर हो सकता है उन्हें दया आ जाए और वो तुम्हें माफ कर दें। ये धनराज सिंपल है, शांत है, ये सोचकर तुम जैसे बुजदिल भी मेरे पैरों के तले जमीन खिसकाना चाहते हो। देखो सांप काटेगा तो जहर चढ़ेगा, लेकिन इस धनराज का साया भी पड़ जाए तो जहर चढ़ जाता है। मेरे भाई के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने की हिम्मत कैसे होगी तेरी है? नमस्ते सर। एक बार ये मेरे हाथ में आ जाती है तो बिना खून चखे नहीं मारती। अब तुम ही बताओ तुम्हें लेफ्ट से पहले काटूं या फिर राइट से पहले काटूं? बोलो बोलो बोलो। नमस्ते। हाँ नमस्ते। अरे भाई तू नहीं बता पा रहा तो तेरे ड्राइवर से पूछता हूँ, तूने नहीं बताया तो तुझे भी। भाई नमस्ते। ठीक है भाई नमस्ते, अब मेहमान को मेरा जलवा दिखाता हूँ। भाई नमस्ते। ए, कौन है ये? जीजा जी, जिसने आदि को जेल भिजवाया ये वही वकील है। मैं वही हूँ भाई। अच्छा वो वकील तुम ही हो क्या? समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ पर क्या करने आया है। बोलना भाई। मुझे खून से बहुत डर लगता है। तेरी तो स्मार्ट बॉय। ऐसे लोग हमारे गैंग में क्या काम जो खून से डरते हैं? ए अबे बता। भाई नमस्ते। ए पकड़ इसको। भाई नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अब जा जा। हाँ, भाई एक मिनट इधर आएंगे क्या? क्या है बोल। यहाँ क्यों आया है पता है? तूने मेरे भाई को सजा दिलवा दी, उसी गलती की माफी मांगने तू यहाँ आया है। ठीक है माफ कर दिया, जा यहाँ से जा। मैं यहाँ कोई माफी मांगने नहीं आया हूँ। तो फिर मेरे दोस्त की जान लेकर तुमने बहुत बड़ी भूल की है, इसलिए चार पांच घूसे मारकर तुम लोगों को समझा कर चला जाऊंगा। पागल हो गया क्या ये? मुझे लात घूसा मारेगा? ए, मैं कौन हूँ कुछ पता है तुझे? मेरे काम के बारे में जानता है? देख तू खुद आकर मेरे चक्रव्यूह में फंस चुका है, तेरी बॉडी में जितनी भी हड्डियां है ना उसे चबाने के लिए कुत्ते पाल रखे है। तुम्हारी धमकी से डर जाऊं ऐसा लॉलीपॉप चूसने वाला बच्चा नहीं हूं मैं, फौलाद की तरह जिगर रखने वाला मर्द हूं। ओह तो फिर देखते हैं किसके पास जिगर है कौन फौलाद है। आजा आजा आजा।
जीजा जी यहाँ से भाग लेते हैं, मेरी मानिए। अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है ना, पर मुझसे बड़ा खिलाड़ी तूने देखा नहीं होगा। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ मैंने जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई है, संभल के रहना। जीजा जी आपको कोई चोट तो नहीं आई? मैंने सुबह ही कहा था मेरी आंख फड़फड़ा रही है, कोई लफड़ा मत करना। आपने मेरी बात सुनी क्या? अब देखो क्या हो गया। आप हुक्म करो जीजू, मैं उसे काट के रख दूंगा। उसके धड़ से मुंडी अलग कर दूं? मुंडी अलग करेगा, मुंडी अलग करेगा, मुंडी अलग करेगा। बात करता है, तूने चप्पल से मारा ना, अब देख तू चप्पल कैसे खाता है। तेरे भी बुरे दिन आ गए हैं, मेरे बाप का श्राप अब फलने लगा है, अब देख तेरा क्या होता है। बॉस उठ जाओ। क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है क्या? कौन बॉस? यहाँ कौन किसका बॉस है? आज के बाद तू ही मेरा बॉस है। नहीं, 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 नहीं। अरे यार, मैंने तुझे वहाँ भेजा था कि तू जाकर माफी मांग ले, और तू वहाँ जाकर सबकी हड्डी पसली नरम करके आ गया। तेरे चेहरे जितना मासूम बिल्कुल नहीं है तू, हे भगवान। तूने मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी है। गुनहगार चाहे कोई भी क्यों ना हो, धनराज हो या फिर उसका बाप भी क्यों ना हो, भले ही इस जंग में मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मेरे जान से प्यारे दोस्त की आत्मा को शांति दिलवा कर ही रहूंगा बॉस। ये बकवास बंद कर तू, तुझ जैसे बड़बोले बहुत देखे हैं मैंने। तेरी हरकत की वजह से तेरे जान से प्यारे दोस्त को जान से हाथ धोना पड़ा, अब तू भी उसी तरह अपनी जान के बारे में क्यों तुलाए? मेरा कहना मानो और यहाँ से तुम गो गो गो, कम से कम जान तो बची रहेगी तेरी। क्या बॉस, आप भी कमाल करते हो। वकील गुनहगारों को जो रास्ता दिखाता है वही रास्ता आप मुझे दिखा रहे हो। चाहे अब कुछ भी हो जाए बॉस, उन लोगों को अब मैं चिता पर लिटा कर ही रहूंगा। मुझ जैसे नौजवानों के लिए एक मिसाल बनूंगा, न्याय के लिए एक मशाल, मशाल बनकर रोशनी दूंगा। अब ये क्या करने वाला है और क्या होने वाला है, ये तो भगवान ही जानता है। हेलो सर जी, मैंने उसको रास्ते पर लाने की कोशिश की लेकिन वो रास्ते पर नहीं आ रहा है, अब आगे का रास्ता आप ही दिखाओ। ये क्या हो गया अर्जुन सर, आप ठीक तो हैं? आह,
बॉस। देख बेटा, मैंने तुझे पहले ही समझाया था ना, वो लोग गुंडे मवाली हैं, उनके लफड़े मत पड़, लेकिन तूने मेरी बात कहा मानी। उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर कि तेरी जान तो बच गई। अब तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू जाकर उनसे माफी मांग ले। ये बेकार का खतरा मोल लेने की जरूरत क्या है तुझे? आप लोगों को मैंने अंदर अलाउ किया पेशेंट से मिलने के लिए, उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। इन्हें रेस्ट की जरूरत है। चलिए आप सब लोग बाहर जाइए। आप बाहर जाइए ना, जब तक आप यहाँ रहेंगे ये डिस्टर्ब होता रहेगा। क्या कर रहे हैं, चलिए बाहर जाइए। रुकना, चुप कर, मैं तो उसकी भलाई की बात कर रहा हूँ। और तुम इसके पास तुम रहकर क्या करोगी? चलो कोर्ट केस की स्टडी करनी है हमें, चलो आओ। सॉरी डैड, मैं नहीं आऊंगी। कितनी बार समझाया तुझे कि मुझे डैड मत बोला कर। समझा समझा कर पक गया हूँ मैं। सॉरी सर, यहाँ अर्जुन को ऐसी हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकती। आप अपने साथ बालू को ले जाइए। चलिए बॉस, कोई इम्पोर्टेंट केस पर डिस्कशन करना है इन्हें, चलिए ना। कितने परेशान कर दिया पेशेंट को। मैं जा रहा हूँ, इनका ख्याल रखना। हाँ, मैं रख लूंगी। हेलो, हरिशंकर मिश्रा बोल रहा हूँ, क्रिमिनल लॉयर। हाँ बोल। वो अब भी जिंदा घूम रहा है साहब। क्या कहा? उसकी सांसें अब तक चल रही हैं। वो अपने दिमाग से और अपनी ताकत से हर हाल में आपकी चिता बिछाने की कोशिश में लगा हुआ है साहब। मेरा नाम सुनकर कानून ने थर थर कांपता है और उसने मेरे घर आकर मुझे ललकारा है। उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे शमशान नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम धनराज नहीं, कहां है वो? ये बताओ तुम मुझे क्या सरप्राइज देने के लिए यहाँ लाए हो? वो क्या है, तुम्हारे पिताजी के टॉर्चर से तुम्हें यहाँ लाकर बचाने की जो कोशिश कर रहा हूँ ना, वही तुम्हारे लिए सरप्राइज है। बहाने नहीं, बताओ मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? तुम्हारी मर्जी, जो मन में आए वो ले लो। मेरे मन में तो ये मॉल है, ले लूं क्या? हेलो, मैं कोई अंबानी का बेटा नहीं हूँ, मेरे रेंज के हिसाब से मांग लो। मधु, तुम अंदर जाकर तुम्हें क्या पसंद है वो सिलेक्ट करो, मैं अभी आता हूँ। बिल देने की बारी आई तो यहाँ से भाग रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, जरा अर्जेंट काम है। ऐसा क्या अर्जेंट काम है? समझी, अब जाओ। जाओ। मैं इंतजार कर रही हूँ। काट दो इसे। हाँ 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 हाँ, सबर रख सबर रख। तुम सबको तो मैं मॉल में ही मार सकता था, बेचारे आम जनता को बेकार में तकलीफ हो जाती, इसलिए यहां ले आया। अब बताओ, एक एक करके आना चाहते हो या एक साथ आओगे?
शॉपिंग करके कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो क्या है, मैं तो और भी पहले आ जाता, लेकिन आते हुए रास्ते में कुछ पहचान वाले मिल गए। अच्छा? तो उन्हें समझाने में थोड़ी सी देर हो गई। चलो अब अपने लिए कुछ खरीद लो। नहीं 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 मधु, ये बात गलत है। तुम्हारी शॉपिंग हो गई ना, वही बहुत है। चलो, वैसे क्या लिया तुमने? डैडी के लिए गिफ्ट। अबे ओ चपर कराती, तूने मेरी बेटी को अपने बाप की जागीर समझ रखा है क्या? जब देखो इसके साथ कभी मॉल में, पार्क में और पूरे शहर में घूमते फिरते हो। ए हंस मत, जब जब तू हंसता है मेरे पेट के अंदर अजीब सा उबाल आ जाता है। इतना उबलते क्यों सर? इन दोनों ने कुछ पल साथ क्या बिता लिए, आपके बलून जैसे पेट में गैस होने लगी। अबे ओ फुसकी बम, तुम लोगों को ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और अब तुम मुझे चराने की कोशिश कर रहे हो। सुन लो, मेरी लड़की के चक्कर में पड़ोगे ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं मेरी बच्ची का हाथ किसी मेरे जैसे होनहार वकील के हाथ में दूंगा और उसके बाद उनके होने वाले बच्चों को खिलाऊंगा, यही मेरे अरमान है। और फिर बच्चों के साथ गाऊंगा, नन्ना मुन्ना राही हूँ, नानू का सिपाही हूँ, है दम तो जरा तू सामने आ, मैं पैंट तेरी उतारता हूँ, ढिंचक ढिचाक ढिंचक ढिचाक ढिच। देख मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे ऑफिस में ये सब नहीं चलेगा। मान लिया, चलो छोड़ो, आज से मैं आपकी बेटी के साथ नहीं घूमूंगा। अपनी बकवास बंद करो। क्या कहा? मैं बकवास कर रहा हूँ? अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं अपनी बच्ची को लेकर 14 साल के लिए वनवास चला जाऊंगा, लेकिन तेरे हाथ में। हेलो, क्रिमिनल लॉयर शंकर स्पीकिंग। ए उबले अंडे, तुम क्रिमिनल हो ये मैं जानता हूँ। अर्जुन को अंदर भेजो। हाँ जी सर। जाओ प्यारे, बॉस तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। मैं कुछ भी कहता हूँ तो तुम मुझे उल्टा जवाब देते हो ना, अब अंदर जाओ, तुम्हारा बाप आ गया है। मैं कम इन सर। कम इन अर्जुन। हाय अर्जुन। हेलो सर। टेक योर सीट। थैंक यू सर। उबले अंडे ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। लगता है जनाब ने मेरी बहुत बुराइयां की हैं। मुझे पता चला है कि तुम धनराज के केस को बहुत ही सीरियसली हैंडल कर रहे हो। शिकार अगर करना ही है तो शेर का शिकार करना चाहिए। तुम तरक्की के रास्ते पर हो, कीप इट अप। थैंक यू सर। इस केस के संबंध में जो भी इसके अहम गवाह और सबूत हैं, वो सारे के सारे सेफ तो है ना? यस सर। जानते हो ना, कोर्ट के लिए गवाह ही मुख्य होता है। जी हाँ सर, धनराज के केस की जरूरत के सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे गवाह तैयार हैं। उन गवाहों से मैं एक बार मिल सकता हूँ क्या? श्योर सर, मैं आपको कल ही मिलवा दूंगा। यही है सर, वो अहम गवाह। नमस्ते सर। नमस्ते। अंदर आइए ना। आइए सर, प्लीज अंदर आइए। बैठ जाइए। थैंक यू सर। धनराज ने मेरे और मेरे परिवार के साथ जो अन्याय किया है, उसकी सजा दिलवाने के लिए मैं कमिश्नर सर तक को रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। और उसके बाद मैंने आपसे सहायता पाने की उम्मीद में आपके ऑफिस के एड्रेस पर लेटर भेजा था। अब आपको सामने पाकर मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पापी को सजा होकर ही रहेगी। धनराज के छोटे भाई को अर्जुन सर ने सजा दिलवाई है, ये मैंने पेपर में पढ़ा था। ये मेरी मदद करेंगे ये सोचकर मैंने इनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की। अपनी आप भी थी, मैंने अर्जुन सर से कह दी है। उस दिन धनराज के लोगों ने मुझ पर हमला किया था, तब इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। उसके बाद ही इन्होंने अपनी सारी आप भी थी मुझे बताई। अच्छा तो बेटी, जो भी डॉक्यूमेंट्स और फोटो तुम्हारे पास हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं? वो बिल्कुल महफूज जगह पे हैं सर, आप जिस दिन कहेंगे उस दिन वो सब लाकर कोर्ट में हाजिर कर दूंगी। गुड। देखो बेटी, तुम्हें कोर्ट में कब आना है ये अर्जुन तुम्हें बता देगा। ठीक है सर। तुम हिम्मत रखो, डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ मैं और अर्जुन है। ओके ठीक है सर। ए बालू सर, वो मैंगलोर शिप केस की क्या तैयारी है, तुम अच्छे से हैंडल कर रहे हो ना? सर वो अगले महीने की 20 तारीख को उसका जजमेंट आएगा। और हाँ सर, वो शिवाजी नगर शाहजी वाला जो केस है ना वो। अरे उबले हुए अंडे, मैं आपके बारे में भी बात करूंगा, जरा शांत रहिए। ठीक है सर। मधु सर, जो सहेली का केस हैंडल कर रही वो कहाँ तक पहुँचा? वो जजमेंट के लिए गई है। ऑल राइट। अर्जुन सर, उस धनराज के केस में जो लड़की अहम गवाह बनी है, तुम उसे कोऑर्डिनेट कर रहे हो ना? अर्जुन
चाहे धनराज हो या उसका कोई भी आदमी हो, उन्हें गवाह का पता नहीं चलना चाहिए। बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होगा। श्योर सर। हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की और। बड़ बढ़िया। तेरी दीदी की सेंटीमेंट की वजह से तेरी हर बेकार की हरकतों को बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो कोलीवाड़ा से 3 खोखा आ गया क्या? पुलिस डिपार्टमेंट को, कलेक्टर को, मिनिस्टर्स को उसमें से 50% देना है। जीजा जी, अगर आप इसी तरह खैरात बांटते रहे तो बहुत जल्दी कंगाल हो जाएंगे। एक बात कहूँ आपसे, ये धंधा ही छोड़ दो। बड़ बढ़िया, तेरी दीदी भी तेरे जैसी थी। ये मत करो, वो मत करो, मेरे हर काम में टांग अड़ाती थी। एक दिन मुझसे पहले ऊपर चली गई। तेरा भी टिकट काटो क्या? बहुत बहुत नमस्कार सर। हो, क्या बात है, द ग्रेट क्रिमिनल लॉयर कलम वाले साहब। ये सब क्या हो रहा है साहब? आपके पुराने दुश्मन राहु केतु आपको छोड़कर आजकल मेरे पीछे पड़े। वो सब छोड़, ये बता यहाँ किस लिए आया है? मैं इसलिए आया हूँ कि मेरा जो जूनियर लॉयर है अर्जुन, वो आप पर केस ठोकने की पूरी तैयारी कर रहा है। उसने जरूरत के हिसाब से सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और उसको सारे सबूत एक लड़की दे रही है। अगर वो सबूत कोर्ट में पेश हो गए तो आपका जेल जाना पक्का, समझना आप। ये नई बीमारी क्या? ये मेरे जीजा जी, आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? मैं हूं ना। मैं नहीं लूंगा। तो तू लेगा क्या? तू लेगा? आज तक किसी को सबूत तक नहीं मिला। कौन है वो? मैं पता लगाता हूँ जीजा जी, आप शांत हो जाइए। तू पता लगाएगा? जरा रुको, ये ला। पैसे लेके वो जहां कहीं भी हो उसे उठा कर ले आओ। 24 घंटे के अंदर मुझे चाहिए वो। ले लो, सब ले लो, मुझे मुझे हर कीमत पे चाहिए वो। तब देखो कहाँ है वो। अरे तुम यहाँ? तू अभी तक मरा नहीं? ये तो जिंदा है, तुझे कैसे पता होगा? ए, तुझे तो दफना दिया था, फिर कैसे जिंदा हो गया तू? तूने मेरी हंसती खेलती दुनिया तबाह कर दी थी, अब क्या कसर बाकी रहेगी जो तू दोबारा मेरे पास आया है? इसकी दास्तान मुझे नहीं सुननी, इसे पूछ इसकी लड़की कहाँ है। ए, कहानी मत सुना, बता तेरी लड़की कहाँ है। अरे पापी, पिछले 2-3 महीने से मेरी बेटी लापता है, बता क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या बिगाड़ेगा बुड्ढे? उस वक्त अगर कुछ नहीं बिगाड़ सका तो अब क्या बिगाड़ेगा? जीजा जी, जाने दीजिए, बुढ़ा है, छोड़ दीजिए। ए, तुम लोग वो क्या देख रहे हो? नहीं रखे, चलो आ जाओ। क्या कर रहे हो तुम? नहीं मिली क्या? हाँ भाई। अबे बताना कहाँ है? ये कुछ गेम खेल रहा है जीजू। खेल रहा है, काला कोट वाला ना, इसलिए खेल रहा होगा। ए, तेरी लड़की यहाँ कब आती है? मैं देखता हूँ। अभी तक जिंदा है, चल रहा है, सोचता है हमसे उलझेगा। खैर नहीं है। लखनऊ में
एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की। ला, चित्रकूट में अखाड़े वालों ने एक 60 साल के बूढ़े व्यक्ति पर अत्याचार किया। छी, छी, जिधर देखो उधर अत्याचार अत्याचार। चल इधर आप। क्या है अंकल? Who are you? आपने मुझे पहचाना नहीं? आंटी के गांव का पड़ोसी। आंटी के गांव का पड़ोसी? हाँ। तू भी इधर आ। क्या हुआ जी? मेरे घर को होटल समझाए क्या? बात ये है जी। क्या बात है? गांव का पड़ोसी है। कौन सा पड़ोसी? बताती हूँ, वो पड़ोसी की बीवी है ना, उसके बड़े पापा की बेटी, उनके बेटे की बड़े पापा की बेटी, उनका जो छोटा भाई था उसका ये बड़ा बेटा है। कुछ याद आया? बहुत ही धार्मिक लड़का है ये, इस उम्र में चार धाम की यात्रा करके आया है। तो ये चार धाम की यात्रा करके हमारे घर पर आया है। इसकी फैमिली हिस्ट्री तो बहुत लंबी है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम करते क्या हो? क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल हो? तुमने क्रिमिनल को घर के अंदर रखा? नहीं 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 अंकल। अरे वो फेमस क्रिमिनल लॉयर शंकर जी है ना, उनके पास लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा एक केस जिता कर दे सकते हो क्या? फिर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाओगे? देख तेरे गांव वाले की नजर मेरी बेटी पर है। इसमें गलत क्या है जी? लड़का अच्छा है, ऊपर से क्रिमिनल लॉयर भी है और अच्छा खासा कमा भी लेता है। बात तो सही है। मेरी लड़की की बात बाद में करेंगे, पहले तुम मेरा केस जिता कर दो। चलिए ठीक है अंकल, पहले ये तो बताइए आपका केस क्या है? अरे रे रे, वो मेरी जिंदगी में एक सांप बनकर आया था। मनहूस कहीं का, मेरी जमीन जायदाद का नकली पेपर बनाकर उसने वहाँ कब्जा कर लिया है। अब आप घबराना छोड़ दीजिए अंकल जी, आपके केस की जिम्मेदारी अब मेरी, मैं सब संभालूंगा। अरे अपने साथ बॉडीगार्ड रखता है और मुझे ही डराकर भगा देता है। इस एरिया का कॉर्पोरेटर होकर भी मैं कुछ भी नहीं कर सका, फिर तुम क्या कर लोगे? अंकल जी, हम काले कोट वालों के सामने किसी का कुछ भी नहीं चलता। एक बार मैंने भी देखा था काले कोट वालों को ट्रैफिक जाम करते हुए, तब से काले कोट वालों पर मुझे भी पक्का भरोसा हो गया है। हेलो जी। जी। तो इसी खुशी में आज मटन बिरयानी बनाओ। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारा क्या जाएगा, पैसा तो मेरा खर्चा होगा ना। इन पॉइंट्स को नोट करके रख लेना मैं। अर्जुन हाय। मैं जरा चाय पी के आता हूं। बालू बहुत काम निपटाना है, कहीं जा मत यार। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं बस अभी गया और आया। बालू देख समझा कर यहीं पर रह। तेरी तो आजकल की लड़कियां लड़कों से ज्यादा फास्ट हैं, मेरी इज्जत को खतरा हो सकता है। प्लीज सॉरी बॉस, मुझे माफ कर दे, अगर यहाँ रहा ना तो मेरी जिंदगी को खतरा हो सकता है। इज्जत को खतरा है? तुमने सुन लिया क्या? मैं जब भी आती हूँ ये केस है वो केस है, मेरा दिमाग खराब हो गया सुनकर। इस टेंशन में तुम मुझे भी भूलते जा रहे हो। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मधु, लेकिन ये मेरे काम करने का वक्त है। ये सब मैं नहीं जानती, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे तुम अपने साथ कहीं बाहर ले चलो बस। इस वक्त मैं तुम्हें कहाँ ले चलूंगा, शाम को चलते हैं साथ में। अब मेरी समझ में आया कि स्ट्रगल करने वाले लड़कों की जगह लड़कियाँ घूमने फिरने वाले लड़कों को क्यों ज्यादा पसंद करती हैं। ओहो अच्छा। हाँ तो फिर ठीक है, तुम भी ऐसा कोई लड़का ढूंढो। हाँ? मैंने छोड़ दिया ना तो कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरी। आरती ले लो भाई, सब आरती ले लो, आरती ले लो। हाँ शाबाश बेटा शाबाश। हे भगवान तेरी कृपा। बॉस कितने फ्लोर की बिल्डिंग है? बॉस 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। ओह पहले में पहली बीवी, दूसरे में दूसरी बीवी और तीसरे फ्लोर में हम लोग बॉस। ओह तुम मेरे ओवरटाइम ड्यूटी के बच्चे हो क्या, तुम्हें ऊपर वाला फ्लोर चाहिए? ए, नीचे नहीं रह सकते क्या तुम? हम सभी लोग आपके चेले हैं बॉस। तो बताओ तुम लोग मेरे पास क्या काम करते हो? अगर आपको कोई मारता है तोड़ता है तो उसके लिए बचाने के लिए हैं हम बॉस। मतलब तुम लोग मेरे बॉडीगार्ड हो। बॉडीगार्ड की जगह कहाँ होती है? थोड़ा दूर होती है बॉस। वहीं रहना, आके मत बढ़ना समझे। ये कौन है बे?
फुल साइज बलून आज अपने साथ कोई लॉयर को लाया है। देखते हैं जो भी है। ए, मेरी जमीन पर तू भूमि पूजन कर रहा है? ये जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है, मवाली कहीं का। ए, ब्लडी फुल, लड़की जमीन और जायदाद हाथ में आने के बाद छोड़ने वाला कोई लोकल फंडर नहीं हूँ मैं। डॉन ओ डॉन, ये कभी तेरा था ही नहीं। इस तरह दूसरों की प्रॉपर्टी पर हक जताने वाले को लास्ट में फुटपाथ पे फटेला कम्बल ओढ़ कर लेटे हुए देखा है मैंने। मैं फुटपाथ में लेटने वाला लावारिसों में से नहीं हूँ भाई। सड़क में 6 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा कब्र खोद कर सोने वाला हूँ मैं, वो भी स्ट्रेट। अगर तू 1 सेकंड भी यहाँ रुका ना तो तेरी समाधि बना दूंगा। ये बीच में बोलने के लिए किसको लाया है तू? ए मिस्टर, अगर 2 दिन में इनकी जगह तुमने खाली नहीं की ना, तो मुझे कोर्ट में केस करना पड़ेगा। मैंने जो नहीं देखा वो कोर्ट नहीं, केस नहीं, कचहरी नहीं, विधानसभा नहीं, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, पुलिस नहीं, इंस्पेक्टर नहीं और पुलिस स्टेशन नहीं। सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी लोग इस डॉन की जेब में रहते हैं। मान लो तुम लोगों ने किसी केस में अंदर कर भी दिया तो 1 सेकंड में अंदर जाकर आधे सेकंड में बाहर आ जाऊंगा। मेरे लिए वो जगह ससुराल जैसा है। फुल साइज बलून, इस डॉन को धमका कर तो जिंदा रह पाएगा क्या? कहाँ के हथियार? रुक एक मिनट, लेके आता हूँ। अरे बाप रे, हथियार लाने की धमकी दे रहा है। क्यों बे, लाओ क्या? नहीं 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 सॉरी। तो चलता बन। अरे कहाना निकल यहाँ से। एक दिन ये भिखारी की मौत पड़ेगा। चलो। क्या कहा तूने? कुछ भी नहीं, पागल के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। चलो। फुल साइज बलून कहीं का। वकील को लेकर आया था मुझे डराने। मेरे भाई का तुम पर बहुत एहसान है, उसे याद रखो। मुझे सिर्फ 3 घंटे के लिए बाहर जाने दो। ओनली 3 आवर्स। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख रुपए। 3 घंटे होने से 10 मिनट पहले ही मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। मेरा दिल घबरा रहा है आदि, बड़े अधिकारियों को पता चलेगा तो क्या होगा? अरे उसकी तू फिक्र क्यों करता है, उनके भी मुंह में 5-10 लाख रुपए ठूस दूंगा, समझ गया? ए, आज इतनी देर हो गई, अभी तक मेरी बच्ची क्यों नहीं आई? क्या बात है, कहाँ रुक गई होगी आखिर वो? हाँ, हो सकता है वो अपनी किसी सहेली के घर हो। मैं जरा फोन करके पूछ लेता हूँ। ये ले तेरे बाप का फोन आ रहा है। मेरा फोन कट कर दिया, इतनी कहाँ बिजी है वो? डैडी, फिर तेरे बाप का फोन। कट करो, तू भी नहीं समझता। फिर से फोन कट कर दिया, आखिर वो गई कहाँ होगी? कहाँ पता लगाऊं मैं? हाँ हाँ, आगे का देख लेंगे। इसने भी कट कर दिया। पक्का ये दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के कहीं बैठे हैं। क्या हुआ अर्जुन, तू इतना टेंशन में क्यों है? अरे उबले अंडे का फोन है यार, अब फोन उठाऊंगा तो मेरा दिमाग चटेगा। कोई सही काम तो जिंदगी में करता नहीं है, तो क्यों फोन उठा के अपना दिमाग खराब करूं? फोन तो उठा ले, देख क्या बोल रहा है। जब तक तू फोन नहीं उठाएगा वो फोन करता रहेगा। ऐसा किया? हाँ। कहिए बॉस। ए, तू हद से आगे बढ़ रहा है। बोला था ना तुझे। चलेगा चलेगा, बात करो। कहिए। देख अर्जुन, तू हर वक्त अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तूने मेरी बेइज्जती की, वहां तक तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब तू मेरे घर की इज्जत पे हाथ नहीं डाल सकता। आप इतने गुस्से में क्यों है, क्या हुआ? सुन अर्जुन, 10 मिनट के अंदर अंदर अगर मेरी बेटी घर पर नहीं पहुंची ना तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा मुझे नहीं पता। आपको मजाक सूझ रहा है क्या? मजाक तो तू इस वक्त मधु को अपने साथ रख के कर रहा है। मधु मेरे साथ नहीं है। बॉस क्या समझ रहे, तुम दोनों साथ हो ऐसा कुछ? मैं जानता था तू मुझे यही जवाब देगा कि मैं कुछ नहीं जानता। रात के 12 बज गए और मेरी बच्ची अब तक घर नहीं आई है। अगर तूने इज्जत से मेरी लड़की को घर लाकर नहीं छोड़ा तो तुझे मेरा दूसरा रूप देखना पड़ेगा। हाँ बॉस, मैं आपको कैसे समझाऊं, सच में मधु मेरे साथ नहीं है। देखिए आप एक काम कीजिए, मधु को फोन करके देख लीजिए। वो तेरे साथ ही तो बैठी है, इसीलिए तो बार बार मेरा फोन कट कर रही है। चलिए ठीक है, उसका पता लगा कर मैं आपको फोन करता हूँ। हेलो 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 हेलो। ये दोनों इतने नालायक होंगे कि बिना सोचे समझे फोन काट देते हैं। अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ गुल तो खिलाएंगे। आने दो, आज आने दो दोनों को, पहले मैं अपनी बेटी से हिसाब लूंगा। ये दे, फोन आ गया।
इसी का तो इंतजार था। आने दो उसे, तुम सबको सबक सिखाएगा। हेलो मधु, तुम कहाँ हो? ए, मैं मधु नहीं बे, किंग ऑफ किंग आदि बोल रहा हूँ। आदि? कौन आदि? इतनी जल्दी भूल गया? कोर्ट में तूने ही तो मुझे सजा दिलवाई थी ना, वही आदि हूँ। देख तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, अगर मधु को कुछ हुआ ना। कूल मैन, टेंशन मत ले यार। तूने मुझे तो सजा दिलवाई दी है, लेकिन तू मेरे भाई के साथ खेल के अच्छा नहीं कर रहा। अब 10 मिनट के अंदर जो गवाह तेरे पास है उसे तू अगर यहाँ नहीं लाया ना, तो सुन ले, तेरी मोहब्बत को मैं मिटा दूंगा। आदि, आदि मेरी बात सुन। क्या हुआ रे बालू? हा? लगता है आदि जेल से फरार हो गया और उसने मधु को किडनैप कर लिया है। तू एक काम कर, पुलिस के साथ आदि के अड्डे पे पहुंचा। ओके, तू निकल। ओके। मुझे तेरा इंतजार था, आ जा। अगर तू 1 मिनट भी लेट हो जाता ना, तो अपनी मैना को जिंदा नहीं देख पाता। अगर किसी ने इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा होता तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता। ए, तेरे और तेरे भाई के चेहरे से नकाब उतार कर तुम दोनों को सलाखों के पीछे भेजना तो कन्फर्म है। तू मेरा अब कुछ और नहीं बिगाड़ सकता है, समझा? मेरी पुरानी फाइल तू फिर से खोलेगा क्या? वेरी ब्रिलियंट स्मार्ट बॉय। ये मेरे भाई का साम्राज्य है। कौन है भैया तेरा भाई, और कौन सा है तुम लोगों का साम्राज्य? तुम जैसे लोगों का तो पुलिस बीच सड़क पर एनकाउंटर कर देती है। थू! ए, बाल की दुकान, मैं लॉ पढ़कर आया हूँ तो सिर्फ तुम जैसे आवारा कुत्तों को सड़क से उठाकर सलाखों के पीछे धकेलने के लिए मजबूर बेसहारों की जिंदगी के साथ तुम लोग खिलवाड़ करते हो ना, उनकी हाय तुमको कभी चैन से जीने नहीं देगी। अरे बारे बार, हमारे इलाके में आकर हमें ललकारने का मतलब या तो तू पागल है या ओवर कॉन्फिडेंट। अरे बहुत टेंशन दे दिया इसने, वो क्या देख रहे हो, मारो इसे। आधी रात हो गई है और अभी तक वो कमीना मेरी बेटी को लेकर नहीं आया। पता नहीं कहाँ गए होंगे दोनों, कहाँ जाके ढूंढू उन्हें। बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है। देखो पता है टाइम क्या हो रहा है, आधी रात को तुम मेरी जवान बेटी को बेशर्मों की तरह पूरे शहर में घुमा रहे थे, और जब मैंने फोन किया तो फोन कट कर दिया है। जब मेरी बच्ची को मंजूर है ही नहीं तो तुम उसे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? अब तुम्हें ढूंढने के लिए क्या मैं पंख लगाकर उड़ना शुरू कर दूं? अरे मैं अकेला बड़बड़ा जा रहा हूँ फिर भी बेशर्मों की तरह सुन रहा है, और मेरी लड़की को ऐसे घूर रहा है जैसे अभी निकल जाएगा। अच्छा तो मेरी बात की तुम्हारी नजर में कोई इज्जत नहीं है। ए मधु, अब चल अंदर। बालू हाँ, ये केस तो तू जिता कर देगा ना? अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो अंकल जी, ऐसे चुटकी बजाकर मैं ये केस जीत जाऊंगा। आपका दामाद भी तो बनना है, वैसे आपकी प्रॉपर्टी मैं किसी और को थोड़ी ना दे सकता हूँ। तूने अगर ये केस जिता दिया ना तो समझ लो
बेटी तुम्हारी, और अगर गलती से तुम हार गए हाँ। तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं गया और आया, आप यही रुकिए, ये पकड़िए। यही रुकता हूँ। अर्जुन, ए क्या हुआ, कोई सांड पीछे पड़ा है क्या? अरे नहीं यार, वो मेरा क्लाइंट है। तो भाग क्यों रहा है? अरे वही। क्या वही? अरे मैंने कहा था ना वही। क्या वही? अरे अरे जाने यार। अर्जुन मैं बताता हूँ। अच्छा बता। अरे वही यार जो मैं जिससे मैं लाइन मारता हूँ। लाइन मारता है? हाँ। अरे क्या हुआ क्या उसे? अरे उसे कुछ नहीं हुआ। अरे उसका बाप। क्या हुआ? चल बसे क्या? अभी वो जिंदा है रे। तो फिर तुझे कुछ हुआ है क्या? अरे तुझे अभी मजाक सूझ रहा है, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। फिर क्या है बताना। अरे वही वो जिसे मैं लाइन मारता हूँ ना, उस लड़की के बाप की प्रॉपर्टी दूसरों के कब्जे में। ए, चल जाए यहाँ से, मुझे और भी बहुत सारे जरूरी काम है। इस बार थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दे यार, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल ठीक है बता क्या करना है। अरे वही जो उनकी प्रॉपर्टी दूसरे के कब्जे में है ना, अगर मैं उन्हें वो वापस दिला दूँ ना तो वो अपनी बेटी की शादी ना मेरे साथ करवाने की बात कर रहे हैं। अरे उनका घर क्या बड़ा है यार। बहुत बड़ा बंगला है। साले चोर, चल जा हो जाएगा। मैं दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? बाल बाल बच गया। ये केस जीता तो ही बेटी का प्यार 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 प्यार। अंदर अपनी सेटिंग हो गई, चलें। हाथ हटाओ। हाँ चलो चलिए। चलो नमस्ते वकील साहब। बैठिए। बैठ तो गया हूँ मैं। बोलिए। अच्छा अर्जुन, इनके भरोसेमंद आदमी ने इनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को डुप्लीकेट बना लिया और अब इनको धमका रहा है यार। मैं भी उनके पास गया था पर मेरी कोई इज्जत नहीं किया। खतरनाक है वो बेईमान। बॉडीगार्ड को अपने साथ में रखकर मुझे धमकी देता है वो। धोखाधड़ी के मामले में साधु कोकिला को रामगढ़ में लोहे के चने चपवा चुका हूँ मैं, और वो मुझसे दादागिरी करता है। अब आप देखिए क्या करना है। पहले से ही एक दादागिरी के केस में मैं उलझा हुआ हूँ, और अब ये दूसरा मारपीट वाला केस। क्या मारपीट वाला केस? अरे ये क्या है सर जी, आप मारपीट का केस क्यों कह रहे हो? अरे वो जमीन मेरी माँ ने दिवाली के त्योहार पर मुझे प्यार से गिफ्ट में दी थी वकील साहब, और उसमें साधी एकड़ बेच कर उससे जो पैसे मुझे मिले थे उससे राजा राजेश्वरी नगर में एक शानदार बंगला बनाकर रहता हूँ। 55 इंच वाला एक बड़ा सा टीवी भी लगा रखा है मैंने, और जो जमीन मेरी बची हुई है उससे वो ब्लैक टोपी बाज हड़पने में लगा हुआ है। हाँ। कौन है कौन वो ब्लैक टोपी बाज? प्लीज तू समझने की कोशिश कर यार। वो प्रॉपर्टी आपकी है क्या? अरे इनकी है यार, समझा कर। ये सब तो ठीक है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स? ये लीजिए सर जी। अब आप क्या करोगे मुझे नहीं मालूम, बस मुझे मेरी वो जगह मिल जानी चाहिए। मिल जाएगी मिल जाएगी। जवानी के दिनों में मैं भी काट पीट करता था, शुगर होने की वजह से छोड़ दिया। ए इन्हें समझा दो। हाँ हाँ ठीक है। अरे 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 क्या है ये? इसकी बेटी। इतना बड़ा घर समझा कर। ठीक है चल अब जा। अरे ये नहीं तो मुझे मेरी वो जमीन मिल जानी चाहिए। अबे मिल जाएगी, जाना मिल जाएगी सर। अब जाइए। एसन, तुझे विश्वास तो है ना वो ये काम कर पाएगा? अरे अंकल आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना। हाँ? मैं सब संभालूंगा, जाइए अब घर जाइए। हो जाएगा ना। कैसी रही मेरी जिलाब की गोली? सुपर भाई। बॉस वो आपके रिश्तेदार है क्या? वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरे घर के आगे पीछे घूमता था इसीलिए मैंने उसे मार के पका दिया। बॉस जरा जल्दी कीजिए बॉस, जोर से भूख लगी है बॉस। एक तमाचा मारूंगा ना तुझे। मुझे मालूम था कि तुम लोगों की नियत किसी तरह बढ़ती जाएगी, इसीलिए मैंने 10 दिनों का बचा हुआ खाना तुम लोगों के लिए बचा कर रखा है। अब इससे बढ़िया खाना तुम लोगों को क्या खिलाऊंगा, जिसका पेट भर गया वो यहाँ रुके। इसके अलावा वो जो मार्क दिख रहा है ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और यहाँ पर मास्टर बेडरूम है। क्या सब? नमस्कार सब सब। मैं आपको ढूंढते हुए आपके अड्डे से यहाँ तक चला आया हूँ। दिनों बाद मैं आसानी से नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस जगह पर मैं 12 माले का टावर बनाऊंगा। वो बन जाएगा तब देख लूंगा साहब। ये लीजिए साहब। ये क्या है बॉस? लगता है मेरी महबूबा ने मुझे लव लेटर भेजा है। जरा पढ़ के बताओ। बॉस मुझे भी कहाँ पढ़ने आता है। अरे मैंने अपने टीम में अनपढ़ों को क्यों भर्ती कर लिया, लाओ मैं ही पढ़ता हूँ। आप ही पढ़ के बताओ ना, मैं अपना चश्मा घर भूल आया हूँ। साहब ये कोई लव लेटर नहीं साहब, ये तो लॉयर का नोटिस है। क्या लॉयर का नोटिस? मुझे लॉयर का नोटिस भेजने वाला ऐसा मर्द कौन है बे? उसकी सारी हड्डियों को मुंह में डालकर सुपारी की तरह भूखा करके थू थू कर दूंगा। ए, कौन है बेबो? आपका वही पुराना दुश्मन। अनपढ़ कहीं के पढ़ना तो आता नहीं,
सर देख के बता नोटिस में नाम किसका है। साहब आपने किसी की जमीन पर कब्जा किया हुआ है ना साहब, ये नोटिस उसी के लिए आया साहब। तो ये फुल साइज बलून की करामात है, मुझे देखते ही उसकी हवा निकल जाती थी, फिर भी उसने लॉर्ड से नोटिस भिजवाया है। ए, हर गली गली मोहल्ला मोहल्ला सड़क सड़क पूरे बाजार को अपने एक ही इशारे पर नचाने वाले डॉन को लॉर्ड का नोटिस। ए, मेरी नाक को इस वक्त उसकी लाश की महक आ रही है, मेरा खून उबलने लगा है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, कोल्ड ब्लड पीऊंगा। मुझे ललकार कर अपने घर में आराम से कैसे जिंदा रहता है मैं भी देखता हूँ, उसका मर्डर तो आज निश्चित है। ए, फोटो, फुल साइज बलून, गेंडे, हिम्मत है तो नीचे आ। हे, तुझ में हिम्मत है तो तू वहीं से बात कर। इस डॉन को तू लायर का नोटिस भेजता है। हे, इज्जत से मेरी माँ ने जो जगह दी है उसे लौटा दे, नहीं तो याद रख तेरा सूप बनाकर पी जाऊंगा। हो गए रे, तेरे दिन पूरे हो गए। सिर्फ नोटिस मिलते ही तू यहाँ तक पहुँच गया, अगर पुलिस वाले तेरे पास आते तो हवा निकल जाती। पुलिस वाले? पूरी दुनिया भी मेरे सामने आ जाए तो तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, समझा? आ जा बे, हिम्मत है तो नीचे आ जा, हिम्मत है तो मुझसे लड़। वकील से नोटिस भिजवाने के बाद भी ये नहीं डर रहा है, अब क्या करें? ए, जहाँ कहीं भी ये ढूंढ निकालो, जाओ। हाँ, चलो जाओ। हाँ। अरे भाई पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली वो, अब क्या करें? उबले अंडे ने जो जगह बताई थी वो यही है ना? पक्का यही जगह है जीजा जी? यही है तो यहाँ क्यों नहीं है वो? पक्का यही जगह है बॉस, पर पता नहीं कैसे वो लड़की यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ नहीं है तो है कहाँ? ठीक किया ना जीजा जी? भाई रुक जाइए, लगता है उस लड़की को हमारे बारे में कोई बता रहा है। भाई बिल्कुल सही जीजा जी। करेक्ट, उबला अंडा बिना मतलब के कभी किसी को फोन नहीं करता, कोई ना कोई तो बात को लीक कर रहा है। वर्जुन मुझसे दो कदम आगे चल रहा है। देखो अर्जुन, मैंने जज साहब से फोन पर बात कर ली है। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, वो लड़की सेफ तो है ना? यस सर। समाज के खिलाफ जो लोग काम करते हैं उनके बारे में गवाही देना बहुत खतरनाक काम होता है। तुम उस अहम गवाह को जज साहब के घर पर लेकर आओ और वहाँ पर वो लड़की जज साहब के सामने सारी बातें खुल कर बताएगी। जी बिल्कुल सर, जैसी आपकी मर्जी हो, उसे कल ही जज साहब के घर ले आता हूँ। राइट, अब तुम जाओ, अगर प्लान चेंज हुआ तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। आज तो पूरी तामझाम लेकर आया है। आइए सर जी, आइए आइए। देख तो जरा फुल साइज बलून को, अपने साथ पुलिस और कॉलेज स्टूडेंट को भी लेके आया है, कहीं मुझे मारने का तो प्लान नहीं है। इतनी स्पीड उस मोटे के अंदर कहाँ है बॉस? ये क्या यार, कितनी बार लात मार के इस मोटे को भगा चुका फिर भी अपनी मनहूस सूरत लेके मेरे सामने आ जाता है। क्या बे, कॉलेज के बच्चों को साथ लेकर आया तू? तुझे क्या लगता है तेरी ताकत बढ़ जाएगी? इरादा क्या है तेरा ये बता। इरादा तुझे हकालने का है, अब तू बता कि तू प्यार से जाएगा या धक्के खा के, क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है। ये लो इसकी बातें सुनो, ऐसे कह रहा है जैसे ये कोई चंगेज खान है। अरे मैं करीम लाला से लेकर दाऊद इब्राहिम सब के साथ खाता पिताया हूँ, तुझे क्या लगता है इन कॉलेज के लड़कों और पुलिस से मैं डर जाऊंगा? अरे मैं किसी से नहीं डरता, हिम्मत है तो मारो मुझे, मारो मारो, देखता हूँ किसमें हिम्मत है मुझे। आओ 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 मारो। ये सारी जमीन मेरी माँ ने दिवाली के त्योहार में मुझे प्यार से गिफ्ट में दी है, तू अगर इसी तरह बेईमानी वाला काम करेगा तो ये स्टील वाला बॉडी देख रहा है ना, तेरे मुंह में एक बीड़ी देकर अपनी छत पर तुझे उल्टा लटका दूंगा। तू इस गोरे चिट्टे चिकने लड़के के सामने ओवर एक्टिंग करने की कोशिश मत कर। ए फुल साइज बलून, ए तू मेरा सर कलम करेगा? अरे दूध के बोतल में अपना मुंह लगाकर पीता हुआ निकल जाए। अरे ये क्या बोला है? सूखा पापड़ तले भी नहीं कड़कड़ा रहा है। हेलो मिस्टर, दिखने में तो बहुत डिसेंट लग रहा है, इस फुल साइज बलून के साथ आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे की तुमने? तू क्या अपने आप को सलमान खान समझता है? तो ये जगह तुम्हारी है? और नहीं तो क्या, तुम्हारे दादा की है। जरा डॉक्यूमेंट्स तो दिखाना। हाँ दिखा दिखा दिखा। क्या डॉक्यूमेंट्स? ऐसा डॉक्यूमेंट
वैसे भी तुझे क्यों दिखाऊं? देखो ये जमीन तुम्हारी है ना, इसलिए डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। तुम्हारे पास है या नहीं? ए, मुझे नहीं दिखाना। अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो क्या कर लेगा तू मेरा? सारे धोखेबाज लोग तुम दबा कर आगे, मुझे तो इनकी नियत पहले से ही पता थी। वो लोग भाग गए तो क्या हुआ? मैं अकेला ही तेरे लिए काफी हूँ। क्यों जनाब, डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं? अरे बाप, मेरे पास तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो फिर दोबारा इन्हें कभी तकलीफ दी तो? अरे नहीं, नहीं, मैं यार आज तो तकलीफ दूंगा ना, मैं तो ये स्टेट छोड़ के ही बाहर चला जाऊंगा। इंस्पेक्टर, आई आई आई, मुझे संभालिए, टाइट से पकड़िएगा। ए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट जरा रुकिएगा ब्रदर, हम लोग फ्रेंडशिप कर लेंगे। जेल में जाकर कैदियों से फ्रेंडशिप कर। जा इसे। ए खुदा, ये तेरा कैसा इंसाफ है? ये जमीन मेरी माँ ने मुझे दिवाली में गिफ्ट में दी थी, ये जमीन अब मेरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओवर हो रहा है सर। सर, आप मेरी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट हो सर। सर, ओवर एक्टिंग मत कीजिए। अंकल जी, ये क्या कह रहे हो आप? अर्जुन को समझाना तू। सर, उसे यहाँ वापस ना। सर क्यों? सर, मेरा ये दोस्त आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है, क्यों ना आप अपने बेटी की शादी इसके साथ करवा दें? सर, मुझे इसका हेयर स्टाइल बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप इसके हेयर स्टाइल का बहाना मत कीजिए, यही आपका दामाद है। गले लग जाए। अरे अगर तू मुझे गले लगाएगा तो मेरी बेटी को कौन गले लगाएगा? सर, धनराज को तो ये पूरा का पूरा शहर एक बिजनेसमैन के रूप में जानता है, लेकिन वो क्या क्या क्रिमिनल एक्टिविटी चला रहा है ये लड़की आपको खुलकर बताएगी। तुम उसके खिलाफ जो कुछ भी कहना चाहती हो खुलकर बताओ, डरने की कोई बात नहीं है। विश्वनाथ, विश्वनाथ, इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? क्यों नहीं चिल्लाऊंगा, तूने जो काम किया उससे मेरे सीने में आग लग रही है। मैंने कह दिया था ना कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, फिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? देखो, आज से ना तो मुझे तुम चाहिए और ना ही तुम्हारी दोस्ती। दोस्ते दोस्ती रखना भी कौन चाहता है? मेरे टुकड़ों में पलने वाला कुत्ता है तू। आज मेरी सच्चाई सामने आई तो तू मेरी कब्र खोद रहा है? और नहीं तो क्या, तेरी पूरी सच्चाई पता चलने के बाद भी अगर मैं चुप रहूं तो ये मेरी प्रोफेशन के साथ गद्दारी होगी। देखो, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हें सलाखों के पीछे भेज कर उसे ही तुम्हारा परमानेंट घर बनवा दूंगा, फिर रोते रहना। ए, मेरी ताकत जानने के बाद भी तू मुझे ललकार रहा है? बचने वाले का एक रास्ता, मारने वाले के हजार रास्ते। एक्सपेरिमेंट, EXEE, बोलते हुए लिखो, बोलते हुए लिखो, तुम भी बोलते हुए लिखो, लिखो एक्स, सही लिखो। हाँ, ओके बेटा, पापा आ गए हैं, मैं चाय देकर आती हूँ। हाँ, अपना होमवर्क कंप्लीट करो। सुनिए, मुझे उसके ख्याल से ही घबराहट होती है, ऐसे लोगों से क्यों दुश्मनी मोल लेना? अब तुम भला इतना क्यों घबरा रही हो? अगर ऐसे लोगों से डरेंगे ना तो कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। आप हमेशा यही बात दोहराते हैं, आपको ना तो मेरी फिक्र है और ना ही बच्चों की। कानून है, पुलिस है, फिर भी हम जैसों की मदद के लिए कौन वक्त पर आता है? गुनहगारों को तो सजा मिल ही जाएगी, लेकिन आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का तो सोचिए। तुम बेकार में मेरा दिमाग खराब मत करो, उससे कैसे निपटना ही मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जाओ और जाकर बच्चों को पढ़ाओ, जाओ बैठो। भारती, मैं बहुत देर तक सोचता रहा, वो धनराज कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेगा। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, हमें अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए तो सोचना चाहिए। हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, कहीं दूर जाकर सुकून से रहेंगे। ठीक है जी, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, हम फौरन निकलते हैं। ड्राइवर जरा तेज चलाओ ना, थोड़ा संभल के रहना। गणेश।
बच जाती लेकिन तेरे पति ने मेरी बात नहीं मानी। कितनी बार समझाया लेकिन ये समझने के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे 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 ललकार रहा था तेरा पति। ए बुढ़ऊ, उस भगवान के पास जाकर मेरे खिलाफ गवाही देना। उस एक्सीडेंट में मैंने अपनी माँ को खो दिया और मेरे भाई का क्या हुआ मुझे आज तक नहीं पता चला। अपने आप को संभालो बेटा, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं धनराज से सिर्फ अपना बदला लेने के लिए उसे दोषी ठहरा रही हूँ। मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही थी तब मुझे वहाँ से किडनैप करके विदेशियों को बेचना चाहा। मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग निकली। उनका हर एक गैर कानूनी धंधा मैंने अपने कैमरे में कैद किया है। मेरे पास सबूत के साथ गवाह भी है सर। आप जब कहेंगे मैं उन्हें कोर्ट में पेश कर दूंगी। धनराज को पुलिस का, राजनेताओं का सपोर्ट है। ऐसे दरिंदों को छोड़ना नहीं चाहिए सर, फांसी दे देनी चाहिए। डोंट वरी बेटी, ये सीरियस मैटर होने की वजह से मुझे होम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। धनराज अगर कानून का मुजरिम है तो उस पर कानून के हिसाब से ही कार्यवाही होगी। उसके किए हुए हर एक अपराध को लेकर मेरे पिताजी ने एक फाइल तैयार की है। उसे लेकर हम कहीं दूर जा रहे थे तभी उसने हमारा एक्सीडेंट करवा दिया। उस एक्सीडेंट में हमने अपनी माँ को खो दिया और मेरे भाई का क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। होना हो, ये घटना मेरे परिवार के साथ हुई है। मुझे हर हाल में इसकी तह तक पहुंचना होगा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो पापा? मैं आपका बेटा? ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? आज से 20 साल पहले जो बेटा आपसे बिछड़ गया था वो मैं हूं। ये क्या कह रहे हैं? भैया। हाँ पूजा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। तुम जो कह रहे हो ये बात सच है क्या? भगवान की कसम ये सच है पापा। अर्जुन, तुम कैसे हो मेरे बेटे? ऊपर वाले ने फिर से तुम्हें लौटा दिया मेरे पास। पापा, आज मेरी खोई खुशी लौट आई। उस धनराज के किए हुए एक्सीडेंट में मैं बाहर गिरकर बेहोश होने के बाद एक देवता समान इंसान मुझे अपने साथ ले गए और पाल पोस कर बड़ा किया। जब पूजा जज के सामने अपनी आप बीती बता रही थी तभी मेरे मन में कुछ शक हुआ था। आज यहाँ आकर देखा तो शक यकीन में बदल गया। वो इंसान नहीं है बेटा, इंसान के रूप में एक राक्षस है। हम उन जैसों का जुर्म सहकर खामोश बैठे रहेंगे तो जाने कितने लोग सड़क पर आ जाएंगे पापा। उस धनराज की नींव उखाड़ने के लिए चक्रव्यूह रचूंगा मैं।
अब ब्रह्मा भी आ जाए तो भी उसे बचा नहीं पाएंगे। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। भैया उस राक्षस को किसी भी कीमत पर मत बख्शना। संभल कर बेटा, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़े और ताकतवर लोगों का हाथ है। इंसान के पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। उसे मारूंगा, ऐसी मौत दूंगा उसे कि उसके रूह तक कांप उठेगी। मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए इस काम को अंजाम दूंगा। ये मेरे लिए एक चुनौती है। तेरी चुनौती की तो मैं पनौती लगाता हूँ। धनराज को फोन करते हैं। हेलो। मैं बोल रहा हूँ सर, क्रिमिनल लॉयर। क्या हुआ उबले अंडे? सर वो जो अहम गवाह है ना, वो लड़की, वो अर्जुन की सगी बहन है। और वो सब आपके खिलाफ एकजुट होकर आपको ऊपर पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग मुझे ऊपर पहुंचाते हैं या मैं उन लोगों को ऊपर पहुंचाऊंगा, ये तो वक्त बताएगा। अब आप क्या करने वाले हैं ये तो आप ही जाने। मैंने आपको आगाह कर दिया, हिफाजत करना अब आपका काम है। खत्म हो गया, मेरा सारा साम्राज्य खत्म हो गया। ए, तू वहां बैठकर क्या तमाशा देख रहा है? वो कल का आया हुआ बच्चा मुझे चुनौती दे रहा है और तू बैठ के तमाशा देख रहा है? अरे ये तो तेरा ही बनाया हुआ साम्राज्य है, तुझे अफसोस नहीं है क्या? वो केस बढ़ने वाला था तभी मैंने कहा था, उस दो कौड़ी के वकील के साथ इस फाइल को भी चला दो। लेकिन यहां मेरी सुनता कौन है? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कहकर आज मेरा गला फंसा दिया ना। ए, जितने भी जुर्म मैंने इस शहर में किए हैं उस सब के पीछे तू ही है, ये मैं दुनिया से कह दूंगा। बोलना। हाँ सही कह रहे हैं। कूल धनराज, कूल। तुम इस तरह से बेसब्र हो जाओगे तो नहीं चलेगा धनराज। तुमने जो गलतियां की हैं उसी के चलते उस लायर विश्वनाथ के परिवार को बचने का मौका मिल गया। उसी दिन उन सबको जला देते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो भी करता हूँ वो लॉ के हिसाब से करता हूँ। देखो, किंग मेकर के अंदर गुस्सा नहीं, सहन शक्ति होनी चाहिए और साथ ही चाणक्य की नीति अपनानी चाहिए। लेकिन वो क्या बॉस, आपकी शान, आपके कोट की चमक धमक। बकरी का बच्चा खुद ब खुद आपके जाल में कैसे फंस गया यही सोच रहे हैं ना? क्या करें बॉस, आपने जो चाल चली थी उसी में आज आप खुद फंस गए हैं। द ग्रेट लॉयर शंकर भाई। कानून की रक्षा करने वाले ही कानून के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। आपके रिकॉर्ड की सारी फाइल मैंने पहले ही तैयार करके रख दी है। आपको क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं है? आपको बताने से पहले ही मैं जज साहब को सब कुछ अपडेट करते आ रहा हूँ। ये धनराज ने जब आपसे कहा कि उस उबले अंडे को फाइल के साथ जिंदा जला दो, उसी दिन से मैं आपके ऊपर नजर रख रहा था मिस्टर शंकर भाई। ओ सॉरी 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 बॉस, बिग बॉस। अब क्या करोगे बॉस? अरे रे, ये तेरा चेला कैसे कैसे कानूनी दांव पेच खेल रहा है। मेरे अड्डे को अपना कोर्ट समझ बैठा है ये। So according to the law, hang him। भाई खड़े खड़े मुंह क्या देगा? खत्म करो इसे। मारो इसे। अरे छुड़ाओ मुझे। अरे क्या कर रहे? अरे इसे मारो। अरे मर जाऊंगा मैं। अरे मारो। बढ़िया।
जी, मैं तुम्हारा खेल खत्म करूंगा। हाँ बाद में निपटता हूं। जिया जी हट जाओ जिया जी। जिया जी जरा हटिए। अर्जुन सबको मार, मैं तेरे साथ हूं। हां होशियार बनता होशियार बनता पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मेरे पास आई। देख नमस्ते जज साहब, मैंने आपको फोन किया था। सारे गुनहगार यही है। आइए आइए आइए। चल साले। अरे चल। डाल दो इन्हें सलाखों के पीछे। हटो इंस्पेक्टर साहब, इन्हें 1, 2, 3, 4 साल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल दो। जिस दिन मैं जेल से निकला सबसे पहले तेरी खबर लूंगा। हमें छोड़। मुझसे पंगा तुझे बहुत भारी पड़ेगा। ए, ए, तेरी यहाँ नहीं चलेगी। चलो लेके जाओ इनको, ले जाओ। थैंक यू अर्जुन। चलो चलो। वेल डन अर्जुन, वेल डन। इतनी छोटी उम्र में तुमने जिस तरह देशद्रोहियों का सामना किया और उन्हें सबक सिखाया, वो नौजवानों के लिए एक मिसाल है। थैंक यू सर। हमारा देश और हमारे देश की जनता के लिए जान भी चली जाए तो कोई कम नहीं। आप जैसों का आशीर्वाद साथ में रहेगा तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऑल द वेरी बेस्ट यंग मैन। थैंक यू सर। थैंक यू अर्जुन पापा। यू आर रियली वेरी ग्रेट बेटा। कितनी धूल है रे अर्जुन। मुझे तो लगा था कि ये जो क्रिमिनल है ना धनराज, यही चोर है, लेकिन एक्चुअली मेरा बॉस उसका बॉस निकला, इसलिए आज के बाद हम सबके बॉस तुम हो प्यारे लाल। तो फिर देर किस बात की, मिला दो इन दोनों को। अरे इसे तो मैं पहले ही दामाद मान चुका हूँ। अब क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। हा? तुम दोनों की शादी के बाद 1 साल के अंदर अंदर मुझे एक जूनियर एडवोकेट चाहिए।